अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे जी। तो आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रोज़े मतलब बहुत अच्छे जा रहे हैं। आज माशाल्लाह 10वां रोज़ा है। तो जी मैं आजकल मसरूफ़ हूँ कपड़े स्टिच करने में। मैंने अपने कपड़े स्टिच किए कुछ रमज़ान के थे, और हर फ्राइडे को होता है रमज़ान में कि नया सूट पहना जाए, सवाब होता है। और बच्चों के लिए जो है वो भी मैंने कपड़े जो है स्टिच किए हैं। तो थोड़ी बहुत लैस की जिस तरह डिज़ाइनिंग होती है वो मैंने की है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि नए स्टाइल से जो है लैस लगाना, आप में से कुछ लोगों को बल्कि तकरीबन लोगों को आती ही होगी। तो मैंने नया सीखा है वो उस तरह से लैस लगाना, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर किया जाए। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ अपने ड्रेसेस और आयशा ईमान के भी जो मैंने स्टिच किए हैं, और कुछ अभी है जो स्टिच होने वाले हैं। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ अपने ड्रेसेस रमज़ान के, ईद का जो है वो भी मैंने स्टिच करना है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, तीन ड्रेसेस जो हैं मैंने अपने स्टिच किए हैं। तो ये दुपट्टा जो है मेरा, ये काफ़ी पुराना है। ये तो खैर हर सूट पे इस तरह से मैच हो जाता है कि जैसे लिया ही इसी के साथ हो। तो इसके साथ जो है मेरी कैपरी है येलो कलर की, तो ये लोन की जो है मैंने शर्ट सिलाई की है। इस तरह से अंगरखा करके मैंने लैस लगाई है, इस तरह सिंपल सी, क्योंकि लोन के कपड़ों पे जो है सिंपल ही लैस ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़्यादा भारी भारी लैस जो है वो अच्छी नहीं लगती, लोन के कपड़ों में पहने नहीं जाते हैं फिर वो कपड़े। तो एक स्टिच किया है मैंने जी ये ड्रेस अपना। उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं, ये ब्लैक कलर का है, इसके नीचे जो है कटरी की लोन की आई थिंक कैप्टी है मेरी। तो ये देखिए जी, एयरलाइन जो है मैंने इसके नीचे फ्रॉक बनाया है सॉरी, मुझे कटिंग नहीं करना आता था। ये मैंने स्टिच पहले कटिंग करवाया दोस्त से, फिर स्टिच जो है मैंने खुद कर लिया। इसके ऊपर भी देखिए इस तरह से मैंने लैस लगाई है, थोड़ा सा फैंसी हो जाता है, पहनने में अच्छा लगता है। आप जिस तरह अफ्तार पार्टी वगैरह है तो पहन सकते हैं आप इस तरह से। ये देखिए जी, सिंपल सी जो है मैंने इस तरह से लैस लगाई है इसके ऊपर मैच करके। ये वाइट कलर की कैपरी थी और वाइट ही इसके जो है दुपट्टा है। तो ये देखिए जी, ये भी लोन का है। बहावलपुर में तो खैर बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मी में सर्दियाँ तो बहुत कम होती हैं, यहाँ पे गर्मियाँ बहुत पड़ती हैं। यहाँ पे 8 महीने तकरीबन गर्मियाँ पड़ती हैं। ये जो है मैंने अफ्तार में पहना था जब मेरी सास की घर अफ्तारी थी, तो ये मैं एक तो पहन चुकी हूँ रमज़ान में फर्स्ट रोज़े को जी। तो इसकी जो कैपरी है वो इस तरह से है, मैं आपको दिखा देती हूँ। उसकी कैपरी पे जो है हल्का सा इस तरह से कम हुआ है जिस तरह इसकी शर्ट पे हुआ है, थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी का कढ़ाई का इस तरह से हल्का सा जो है कम हुआ है। ये मिरर नहीं है, आजकल बड़ा काम चल रहा है इसका मिरर का, लेकिन ये प्लास्टिक में है, शीशे नहीं है। ये इस तरह से है। तो ये देखिए जी, इसके दुपट्टे पे से जो है मैंने मल्टी कलर की लैस लगाई थी ताकि इसकी जो है शर्ट में जो है मैच हो जाए दुपट्टा। तो ये देखिए जी, दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लग रहा है इसका। ये जो है मैंने लैस लगाई है, पहले पीको करवा लिया था मैंने ताकि इसके जो धागे वगैरह ना निकले, और फिर जो है मैंने इसके ऊपर लगाई है लैस इस तरह से मल्टी कलर की, वो इसकी जो है सूट में मैच हो गई है शर्ट में। तो बाजुओं पर जो है मैंने इस तरह से लैस लगाई है, और ये नीचे घेरे पे आगे और पीछे बॉर्डर पे लगाई है मैंने इस तरह से लैस। तो ये जी थे मेरे सूट। अभी ईद का सूट जो है मैंने अभी सीना है, आया हुआ मेरा लेकिन अभी सिया नहीं है, वो मैंने सीना है। तो फिलहाल अभी मेरे 3 सूट सिल गए हैं गर्मियों के, और अब जो है मैं दिखाती हूँ आयशा ईमान के। ये देखिए जी, ये मेरे कपड़े गर्मियों के, अभी तो साथ साथ सिलते रहेंगे, अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये जी मैंने सूट लिया था, मतलब 2 पीस मिल रहे थे ये, तो मैंने 1.5 सूट ले लिया था ये, तो आयशा ईमान का। मैंने कहा चलो सेम हो जाएगा, तो 1.5 सूट में आयशा ईमान का बन गया था, और थोड़ा सा बच भी गया था। बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे वाइट कलर का और मल्टी कलर के फ्लावर्स पे लगे हुए। आयशा का ये स्टॉलर दिया है साथ, ब्लू कलर का मैच करके मैंने, और इसकी ये कैपरी सिलाई की है मैंने। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, ये गला है इसका वी, और ये मैंने लगाई है इसके बाजू पे लैस। ये लैस लगाई किस तरह से है वो भी वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने जब स्टिच किया था तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, तो मैं दिखाती हूँ आपको।
और उसके बाद आ जाते हैं ईमान की बारी। आयशा के जो है मेरे कुर्ता शलवार रेडीमेड भी लिए हुए हैं, इस वजह से आयशा का एक ही स्टिच किया है अभी। मानू के जो है मैंने तीन स्टिच, तीसरा भी काट के रखा हुआ है, दो स्टिच कर ली है। ग्रे और ब्लैक कलर में ऑरेंज कलर की जो है प्रिंट बहुत प्यारा लग रहा था। ये पीसों में मुझे मिल गया था बहुत सही सा, तो मैंने फिर ये ईमान का ले लिया। तो पांचों भी मैंने इस तरह से डिजाइनिंग कर ली। ये देखिए जी, थोड़ी बहुत डिजाइनिंग तो हम कर ही लेते हैं जी, घर में पहनने के लिए जो कपड़े हैं थोड़े बहुत जो है मैं खुद सिलाई कर लेती हूँ, डिजाइनिंग भी थोड़ी बहुत आ जाती है मुझे करनी। चलिए मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ये है जी ईमान का, आयशा ईमान के सेम हो गए हैं। येलो कलर की गलैस घर में पड़ी हुई थी, मेरे सूट में से बची हुई थी, तो ये मैच हो गई। अच्छा, ये लैस किस तरह से लगाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, मैंने अपने कपड़ों को किस तरह लगाई हुई है। तो आयशा ईमान का इस तरह से जो है मैंने यू गला बना के तो इस तरह से लैस लगा दी है। ये स्टिच किए हैं मैंने कपड़े, बाकी जो है इनके रेडीमेड हैं पहनने के लिए, तो बाकी ऐसे ऐसे सिलाई होते रहेंगे। अभी अभी स्टार्ट में तो अभी मैंने इतनी सिलाई किए हैं। तो जी कैसे लगे आपको जो है मेरे ड्रेसेस? चले अब आपको मैं दिखाती हूँ ये जो लैस है ना, ये मैंने किस तरह से लगाई है और अपने कपड़ों पे भी मैंने किस तरह से लगाई है। ठीक है जी, ये येलो लैस जो थी ये घर में पड़ी हुई थी, तो ये इसके साथ मैच हो गई है। और ये ब्लू लैस भी जो है ये भी घर में ही पड़ी हुई थी, तो ये मैंने इसके साथ मैच कर ली ईमान आयशा के साथ, आयशा के फ्रॉक के साथ। तो अच्छी लग रही थी ये लैस, तो मैंने कहा चलो यही लगा देती हूँ। हल्की हल्की लोन के कपड़ों में, कॉटन के कपड़ों में अच्छी लगती है लैस लगी हुई। तो चलिए कैपरी जो है मैंने पहले सिलाई कर ली थी, तो अब जो है मैं आपको इसके ऊपर बाजू के ऊपर जो है लैस लगाना बताऊँगी कि किस तरह से जो है मैं लगाऊँगी लैस। इस पर हमने उल्टा करके रखना है इसको, जब हम इसको सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से जब हम रखते हैं मशीन के नीचे तो इसको उल्टा करके रखेंगे और तकरीबन सिलाई जितना हमने छोड़ देना है जो सिलाई में आएगा उतना हमने छोड़ के तो लैस के ऊपर लगानी है सिलाई। ये देखिए जी, इस तरह से मैंने अपने कपड़ों पे जो लैस लगाई थी, बल्कि मैंने जो शर्ट पहनी हुई है इसी में से बची हुई थी ये लैस, तो इस पर मैंने इसी तरह लैस लगाई थी। ये देखिए जी, अब इसको हम इस तरह से जब मोड़ेंगे तो ये सीधी तरफ हो जाएगी लैस। लैस हमने जब सिलाई लगानी है तो उल्टी करके लगानी है, और जब हम इस तरह से मोड़ेंगे इसको तो ये लैस खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। ये देखिए जी, अब ऊपर जो है मैंने तो तुरपाई की थी, तुरपाई भी अच्छी लगती है, तो बच्चे हैं तो बच्चे इसलिए इनके तो मैंने जो है सिलाई ही कर दी। और जब सिलाई करते हुए आपकी मशीन का धागा ख़त्म हो जाता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। मेरा जो है शटल का धागा ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने धागा डाला पहले और फिर अब मैं लगाती हूँ जी सिलाई, और फिर मैं आपको जो है फाइनल जो है दिखाती हूँ किस तरह से मैंने जो है इसको सिलाई लगाई और किस तरह से मैंने इसी तरह से ही मैंने जो है अपने कपड़ों पे जो लैस लगाई। मैंने अपने कपड़ों पे तो खैर तुरपाई की है, तो ये बच्चों के थे तो बच्चों के थोड़े मजबूती से सीने पड़ते हैं। ये जो सूट था ये कॉटन लोन में था। इस तरह से पहले हम सिंगल सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर और फिर इसको सीधा करके लैस के ऊपर से भी एक और सिलाई लगा लेंगे। बड़ा नीट जो है हो जाएगा इसकी सिलाई लगने के बाद, बड़ा नीट नीट लगेगा ये। ये देखिए जी, अब वो रवा जो फैशन ख़त्म हो गया ऊपर रख के जो लैस लगाया करते थे, अब इस तरह से लैस बहुत अच्छी लगती है लगाने में। ये देखिए जी, ये देखिए जी, खूबसूरत सी लैस लग चुकी है। ये देखिए जी, आपको दूसरी दिखा देती हूँ। ये जी मेरे ड्रेसेस, अभी दिखाती हूँ मैं आपको अपने ईद का ड्रेस, वो अभी जो है मैंने करने हैं स्टिच जी। ये है मेरा ईद का ड्रेस, अभी पूरा मैं नहीं आपको खोल के दिखाऊंगी, थोड़ा सा जो है सरप्राइज भी होना चाहिए ईद की जब मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी जो है शॉपिंग करनी है मैंने आयशा ईमान लोगों की, तो फिर दिखाऊंगी मैं आपको अपना ईद का ड्रेस, जब तक स्टिच भी होके आ जाएगा। मुझे है कि ये मैं दर्जी से सिलवाऊँ, अच्छा सा करके वो सिलाई कर दे।
तो आई होप आपको जो है मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर से आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।